बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थशास्त्र में उनकी निपुणता ये उनकी सच्ची पहचान थी। और उन्होंने आज से करीब 80-90 साल पहले भारत का रुपया, उस पर थीसिस लिखी थी। और मुद्रा नीति कैसी हो, उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सामने भारत की मुद्रा नीति के संबंध में एक नएपन से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और आज हम लोग जिस रिजर्व बैंक की चर्चा करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो थीसिस लिखी थी उसी के प्रकाश में से विचार लेकर के ये रिजर्व बैंक का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, आजाद भारत में हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य और केंद्र के बीच आर्थिक व्यवस्था कैसे चले, पैसों का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन की कल्पना हुई है, यह भी बाबा साहब आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर के विचारों का परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की मुद्रा व्यवस्था में, भारत की सेंट्रल बैंक की कल्पना में, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में, अर्थव्यवस्था के संबंध में किसी एक महापुरुष का स्पष्ट दर्शन था, उत्तम से उत्तम योगदान था, तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम, और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार, जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है।